अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लोकेशन बताने वाली गोल्डन मिराडो की, मतलब जो कार है ना उसके बारे में आपको मैं लोकेशन बताऊंगी। मगर इस सब में मेरे साथ क्या मसले पेश आए और क्या क्या हुआ है मेरे साथ वो आप देख रहे थे कि ये लोकेशन आपको बस यहीं पर जाना, सिंपल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जाकर सब्सक्राइब करें ये कर, सिंपल सिंपल मैं बताती हूँ क्या कैसे और क्यों हुआ। तो बहुत मसला हुआ मेरे साथ। तो पहली बात तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दूर उतर गई थी और लोगों ने गाड़ी उड़ा उड़ा के ले गई थी कि उसके बाद मैं बीच में चलती रही कि यार चलो कोई मार के चल जाएगा, मगर ये बंदा देखो कैसे आगे भागे जा रहा है, अभी मेरे को मार के जाओ ना, मगर नहीं मेरे को मारेगा नहीं, सीधा सीधा निकल जाएगा। इतना तो मेरे साथ जुलूम हुआ और मैं उसको देखते रह गई, मैं चिल्लाते रह गई कि भाई मेरे को मार दे, मगर नहीं, उसने नहीं सुना, उसने नहीं मुझे मारा, उसको तो कार चाहिए थी, तो वो कार के पीछे निकल गया और मैं पागलों की तरह, ये आप देख रहे कि मैं कैसे सीधा 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 भाग रही हूँ। दूसरी कार भी आई थी मगर उसने मुझे नहीं उड़ाया, बस मुझे पागलों की तरह छोड़ दिया दौड़ते वक्त, और मैं पागलों की तरह से दौड़ते रहे और उसके बाद फिर मुझे मरना पड़ा, खुदकुशी करना पड़ा मुझे। तो इस कार को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दलील हुई हूँ, मगर मैं आपको एंड में बताऊँगी कि आप इस कार को कैसे हासिल कर सकते हो, वो भी आराम से, वहाँ पर कोई बंदा नहीं आएगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर भी एक कार निकल गया, बंदे को मारते हुए निकल जा रहा, और मैं उतरी कहाँ, पहले तो गलत उतरी, और सब हम लोग उस कार के पास पीछे कुत्तों की तरह भाग रहे थे कि बस हम लोग को वो कार चाहिए, चली गई है। और फिर मैं यहाँ पे सड़े हुए कार के ऊपर खड़ी थी, खूब नाची डांस किया मैंने, डिस्को वाले में पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कौन कौन सा था सब, मैंने डांस किया कि यार अब तो कोई मार दो, मैंने कहा मैं इधर 15 मिनट खड़े होकर डांस किया, मगर मैंने किसी ने मुझे भाव नहीं दिया। फिर एंड में एक बंदा आता है, वो इतनी दूर से पहले एक दूसरे को मारेगा, फिर आके मुझे मार के जाएगा, बहुत सैड लाइफ है। मतलब एक बंदा मरना चाह रहा और उसको मार भी नहीं रही, ये जो पीछे खड़ा ना इसने मुझे मारा, और फिर मैं इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि यार थैंक यू आपने मुझे मार दिया। बहुत सारी वीडियो को मैंने नहीं ऐड किया, मतलब कि जो मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा बकवास थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, मतलब उतरते साथ ही हम लोग मर जा रहे थे। बैठूंगी और देखना मैं कुत्ते की मौत मर जाऊंगी। बैठने वाली थी, मैं नहीं बैठ रही थी, नहीं मैं बैठी नहीं थी, उसने मुझे गाड़ी से मारा थी। इस बंदे के बंदूक कहाँ से, मुझे ये समझ में नहीं आया, और दो तीन लोगों के पास और ही बंदूक आ गई है, और मेरे टीममेट के पास भी आ गई थी, और अब मैं यहाँ पर एंड हो जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ और इंतकाल हो जाता है मेरे यहाँ पर, ओम शांति ओम हो गया। बहुत मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद फिर मैं प्रो कपड़ा पहन कर आई, और प्रो बनने के बाद फिर मैं इस बंदे का पिंग बहुत हाई था, इस वजह से ये नहीं आ पाया और मैं जल्दी से कार को निकाल कर भागी यहाँ से। आगे मज़े की बात ये कि मेरे टीममेट बैठने के बजाय मेरे साथ एनिमी बैठ गए थे और बहुत मज़ा आया, मगर उन्होंने मुझे बिल्कुल मारा नहीं और हम लोग चुप से बैठे थे, मगर एंड में मुझे इतना कत्ल करना पड़ा। निकल आप चलाना भी नहीं आता है। क्योंकि मुझे इनको ताड़ना था, इस वजह से मैंने तो एक को गाड़ी छोड़ा दी और एक को मेरे टीममेट ने मार दिया। अफसोस बहुत आ रहा था कि यार इनके साथ मैंने सफ़र किया और फिर इनको मारना पड़ा, इनको लॉबी नशीन करना पड़ा मुझे। ये गोल्डन सोने की तरह चमचमाती कार, इस मिशन को पार करने के लिए यार हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद की है। ये मेरे साथ एनिमी आके बैठ गया और मैंने कहा यार थोड़ा सा आके बैठो, दोबारा मैं रुक गई कि यार थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा इसका भी हो जाएगा मिशन ना, तो बैठ गया। और फिर मैंने बहुत लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम हूँ क्योंकि मैं एक नंबर की नूब हूँ, तो इसीलिए बस यहाँ पे मेरा नंबर 4 जो टीममेट है वो बेचारा मर जाता है, मेरा भाई मुतीन, इसका नाम मुतीन है ठीक है, तो ये नंबर 4 जो है वो मर गया। अब ये हमेशा मर जाता है और ये इसको अवार्ड मिलना चाहिए सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ गेम देखता है, बाकी शुरू में मर जाता है ये। तो वैसे वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को लोकेशन बतानी थी और लोकेशन आप लोगों को पता चल चुकी है कि आप लोगों को कहाँ लैंड करना है, मगर इसमें वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे बिल्कुल आराम से यहाँ पर लैंड कर सकते हो जब कोई भी ना हो और कोई आएगा। मैंने अब ये नहीं सोची कि बहुत दूर से जंप कर रहे हैं और फिर वहाँ से आपने आ जाना है और कार लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल यहीं पर जंप करना है और बिल्कुल भी कोई नहीं होगा, आप किसी को बुलाओगे भी तो बोलेगा भाई जा यार कौन है, ऐसा करके बंदा बोलेगा। खैर मैं अपनी टीममेट को बचाने के लिए ऐसे गाड़ी आगे पीछे कर रही हूँ, मगर नंबर 4 जो है वो मर जाएंगे, और नंबर 3 को बचा लेंगे क्योंकि क्या कर सकते हैं, नंबर 4 को मार दिया गया, बहुत अफसोस हो रहा था, और अब मैं ये बेचारे बंदे को मैं मार दूँगी। हालांकि कुछ नहीं कर रहा था मगर मैंने उसको उड़ा दी, क्योंकि चंदा ने ये कहा था, खुद सुन लें आप क्या कहा था उसने। लव यू आप ही अब यार नंबर 1 को बुला, मेरे को नहीं मारते चावल समझ, हाँ पता चल गया था। अरे रे 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 आ रहा हूँ, एनिमी बैठा है क्या तेरे साथ? हाँ उसको मारो पहले, उसको मारो पहले नहीं नहीं पहले उसको मारो, अब ठीक है अब मेरे को रिवाइव था। हालांकि मैं इनको मना भी कर रही थी, पहले मैं तो नहीं मारा, वो इतना मासूम है चुप से बैठा हुआ था, मगर लोगों ने इसको मार दिया, बहुत बेहिस लोग हैं, इन लोगों के साथ तो खेलने का दिल भी नहीं करता क्योंकि ये एक छोटे से प्यारे से एनिमी को मार सकते हैं। फिर मैंने भी उनको मारने की कोशिश की, अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, बहुत जगह में मैं नाकाम हुई, मगर मैं इस वाले को मार दी और फिर मेरा 3 किल हो गया। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी से 3 किल किया, मैंने कभी नहीं किया। मैंने कितना किल कर ली गाड़ी से,
जैसे कि प्रूफ के हवाले से आप सुन सकते हो कि चंदा भी हैरान है कि यार मैंने इतना किल कैसे कर लिया था, तो मैं इतना किल कर नहीं सकती हूँ। इसे होगा क्या, इसमें बैठ के क्या होगा? मिशन मिशन अजी सबसे बड़ी बात तो कि चंदा को इस कार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कितने लोग पागल हो जा रहे, खूना खराब हो और इस कार के लिए, मगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। हद है यार, कसम से। मगर इस बार हम लोग आराम से बैठ चुके और यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, और इसका सीक्रेट ये है कि हम लोगों ने साउथ अमेरिका में लगा कर इसको खेला है। जी हाँ, अगर आप साउथ अमेरिका में लगा कर खेलोगे तो यकीन करो कोई भी नहीं आएगा। वैसे एक दो लोग आएंगे, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे और आपका मिशन भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने मिशन बिल्कुल ऐसे ही पूरा किया, साउथ अमेरिका लगाया और ये मिशन मैंने पूरा किया है। और भी कुछ KRGP होता है इस टाइप का, उस पर आप लगा कर सकते हो मिशन, आराम से आपका मिशन हो जाएगा। बस थोड़ा पिंग हाई आएगा, मगर ये तो बड़ा लिस्ट है। ये जो अब वाला है आप देख रहे हो, ये मैंने साउथ अमेरिका में लगा कर खेला, वो भी सिंगल खेला। और फिर मैंने कार की खूब व्यू लिया और पूरे गेम में मैंने जस्ट बॉट मारे, बॉट मार के मैंने चिकन डिनर किया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आसानी से जाऊँगी और यहाँ पर कोई भी नहीं है, और एक एनिमी भी आएगा। मैंने उसको पॉपअप भी किया है कि आज जो गाड़ी बैठ जाओ, मगर वो नहीं आया, तो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और फिर मैं चली गई लंबे सफ़र पर और मैंने मिशन को कम्प्लीट कर लिया। तो आप भी ऐसे मिशन को कम्प्लीट कर सकते हो। तो ये रहा वो मासूम सा एनिमी, तो मैंने इसको हॉर्न भी दिया कि यार गाड़ी में बैठ जाओ, मगर वो नहीं आया, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो सीधे सीधे निकल गया। खैर फिर मैं भी निकल गई और फिर मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी का नज़ारा लिया, खूबसूरत सा व्यू लिया कि यार क्या गाड़ी है, ज़बरदस्त। और फिर मैं सफ़र में निकल गई, बहुत लंबे सफ़र में। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सब कुछ कर दें, और मुझे फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।